मध्य प्रदेश का 64वां स्थापना दिवस समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 64 साल पहले प्रदेश में अलग चुनौतियां थी, लेकिन अब अलग चुनौतियां हैं। इस दौरान बॉलीवुड के मशहूर गायक और निर्देशक अमित त्रिवेदी ने अपने साथियों के साथ रंगारंग प्रस्तुति दी। सरकार ने इस वर्ष को आदिवासी गोंड वर्ष घोषित किया है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित संस्कृति मंत्री और अन्य मंत्री मौजूद थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को आदिवासी गोंड वर्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्थापना दिवस के मौके पर सबको बधाई दी और कहा कि 64 साल पहले प्रदेश में हर क्षेत्र में अलग समस्या और चुनौतियाँ थी। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं और चुनौतियाँ भी अलग हैं। आज का नौजवान इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसकी अपनी सोच है और भविष्य निर्धारित कर सकता है। कृषि क्षेत्र में पहले पैदावार बढ़ाने की चुनौती, अब पैदावार बढ़ गई है, लेकिन कृषि में न्याय कैसे किया जाए, ये एक विषय है। 64 साल पहले मध्य प्रदेश के सामने अलग चुनौतियां थी, आज चुनौतियां अलग है। चुनौतियां आज की हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की, हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया जिनकी दुनिया को छोड़ थी, पर आज के नौजवान उनकी दुनिया को छोड़ रहे। आज का इंटरनेट से जुड़ा हुआ आज का नौजवान जिसकी अपनी सोच है, उसकी तरफ है कि उसका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे। इस मौके पर प्रसिद्ध संगीत निर्देशक व गायक अमित त्रिवेदी ने अपने 22 कलाकारों के साथ रंगारंग संगीत की प्रस्तुति दी। अमित त्रिवेदी वर्तमान में सबसे सफल एवं लोकप्रिय संगीतकार एवं पार्श्व गायक हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 30 फिल्मों में संगीत दिया है। अमित ने उनकी चर्चित फिल्मों के गानों की प्रस्तुति दी, जिसमें मिशन मंगल, केदारनाथ, सीक्रेट सुपरस्टार, ब्लैकमेल, उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी, हाईवे, क्वीन, बॉम्बे टॉकीज, काई पोचे शामिल हैं। दर्शकों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। फेवरेट सिंगर में से एक है, बॉलीवुड सिंगर में से, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। उनके गाने सुने मैंने, वैसे ही मेरे फेवरेट बहुत सारे गाने थे जो मैंने सुने, अभी लाइव सुने। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, शानदार परफॉर्मेंस। अमित को इसके पहले भी मैंने देखा था, लाइव देखा है, लेकिन आज यहाँ पर देखा। और हमारे मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास वाकई सराहनीय है, और इसी तरीके से हमें अपने जश्न का, उत्सव मनाने का अधिकार है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।